पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है, जिसके बाद से ही उनकी इस किताब के कुछ अंश काफी चर्चा में है। अब ऐसे में सलमान खुर्शीद का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े थे। हालांकि इस बीच उनकी किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण अब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि किताब में उन्होंने हिंदुत्व की ISIS और बोको हराम से तुलना की है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू पर पोस्ट कर कहा है कि सलमान खुर्शीद को आतंकी संगठनों से तुलना से पहले सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार की विचित्र और वाहियात तुलना है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक अनादि धर्म है जो विष पीकर भी नीलकंठ बनते हैं और जगत का कल्याण करता है। डॉक्टर त्रिवेदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता शेयर करते हुए कहते हैं कि अटल जी की इस पंक्ति में हिंदू क्या है वो समझना चाहिए। सलमान खुर्शीद की किताब में एक चैप्टर द सैफरन स्काई को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। वहीं खुर्शीद ने किताब में आगे लिखा कि हिंदू धर्म को किनारे लगाता ये हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS और बोको हराम जैसी जिहादी संगठन जैसा ही है। अब ऐसे में इस पर काफी बवाल भी मचा हुआ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के लॉन्च पर कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। 6 दिसंबर 1992 के जो हुआ वो बहुत गलत था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे संविधान को बदनाम किया है। दो समुदायों के बीच एक अटूट खाई तैयार हो गई है। ये गलत था, मैं 100 बार कहूंगा कि ये बेहद गलत था। लगभग 300 लोग आरोपी थे, बरी हो गए, तो जैसे किसी ने जैसिका को नहीं मारा ऐसे ही किसी ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया है। वहीं खुर्शीद पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस किताब के जरिए हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। साथ ही अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुर्शीद ने भी कहा है कि उन्हें लगता था कि वो उस फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े हुए थे। उनकी इस किताब पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए जबरदस्त हमला किया है। उनका ये कहना है कि बहुसंख्यक हिंदू देश में मुस्लिमों को जितना सम्मान मिलता है उसके बाद भी कुछ नहीं है, मन में इतना जहर भरा हुआ है क्यों। खुर्शीद की इस किताब पर दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लगातार समीर खुर्शीद की किताबों को लेकर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तक खुर्शीद पर पलटवार कर रहे हैं, जिसके बाद अब समीर खुर्शीद क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी।